समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है। अपर्णा यादव सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकती हैं। अपर्णा मुलायम सिंह के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ कैंट सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था। उन्हें बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी के हाथों हार का सामना भी करना पड़ा था और उनके लिए अखिलेश यादव ने प्रचार भी किया था। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक तौर पर तारीफ करती हुई भी नजर आ रही है। मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली अपर्णा कई बार योगी आदित्यनाथ के साथ ही नजर आई है। बीजेपी उन्हें लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अवनीश कुमार जुड़ गए हैं। अवनीश, जो समय बताया जा रहा था बीजेपी में शामिल होने का, वो अब बेहद करीब आ चुका है, क्या ज्यादा जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे करीब 10:30 बजे का वक्त होगा जब भारतीय जनता पार्टी में कई लोग अपनी सदस्यता लेंगे और इसमें जो सबसे प्रमुख चेहरा है वो प्रमुख चेहरा बताया जा रहा है कि अपर्णा यादव वहां पे हो सकती हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की वो छोटी बहू हैं, ऐसे में वह लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की प्रशंसा करती हुई नजर आती हैं और अलग अलग मंचों से देखी जाती रही हैं और इसी को लेकर ये माना जा रहा है कि अपर्णा यादव आज वहां पे भाजपा की सदस्यता ले सकती हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हो सकते हैं। और कल ही एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अपर्णा यादव को देखा गया था और उनकी तस्वीर वायरल हुई थी, तो कयास लगाए जा रहे थे कि अब वो दिन आ गया है जब अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगी और भारतीय जनता पार्टी उनको लखनऊ के किसी भी विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो अपर्णा यादव की सदस्यता के साथ ही उनकी सीट को तय कर दिया जाएगा और उसी समीकरण के साथ भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कर सीधे समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगी अपर्णा यादव और तमाम जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाएं हैं, तमाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां हैं, उन नीतियों पर चर्चा करेंगी और उनका बखान करते हुए विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अवनीश, क्या अपर्णा यादव के अलावा भी क्या कोई ऐसा चेहरा रहेगा जो बीजेपी का दामन थामेगा, कोई बड़ा दिग्गज नेता? क्योंकि जब से हमने देखा कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस्तीफा दिया, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, अटकलें तब से ही तेज हो गई थी कि बीजेपी की तरफ से भी कोई बड़ा पलटवार किया जा सकता है। देखिए साफ है कि अगर बात करें अखिलेश परिवार की, तो अखिलेश परिवार में अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगी। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि लखनऊ के प्रदेश मुख्यालय पर भी उनके एक रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि अभी कयासों का दौर है, लेकिन साफ तौर पर अगर दिल्ली में 10:30 बजे अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेती हैं तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से वह भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का बखान करती हैं और सदस्यता लेते वक्त वह क्या कुछ खामियां गिनवाती हैं समाजवादी पार्टी की और क्या कुछ खूबियां बताती हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो ये बड़ा मौका होगा जब भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के खेमे में एक बड़ी सेंध लगाई और खासतौर पे वह सेंध है जब उस परिवार का एक सक्रिय सदस्य टूटकर सीधे भारतीय जनता पार्टी में आता है, तो स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी की नीतियों पर सवाल उठेगा और एक बार फिर से चर्चा का विषय होगा कि जो 2017 में हालात थे वही हालात 2022 में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी लेने की पूरी कोशिश करेगी और अलग अलग मंचों से भी जब वर्चुअल रैली होगा तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता होंगे वो ये कहते हुए नजर आएंगे कि जो समाजवादी पार्टी लगातार दावा करती रही है कि परिवार में सब कुछ ठीक है, अब शिवपाल यादव अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में अपर्णा यादव अगर टूटकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामती हैं तो कई सवाल उठेंगे और जनता भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में दिखेगी कि आखिर परिवार में सब कुछ ठीक है या नहीं है। और 2017 की तारीफ करते हुए तो अपर्णा यादव को पहले भी कई बार देखा गया है, लेकिन अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि वो समाजवादी पार्टी को लेकर क्या कुछ बयानबाजी करती हैं। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।